चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये मराठी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ है ध्वज यानी झंडा और प्रतिपदा तिथि को पड़वा भी कहा जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज यानी 9 अप्रैल को है। इस दिन महिलाएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि के बाद विजय के प्रतीक के रूप में घर में सुंदर गुड़ी लगाती हैं और उसका पूजन करती हैं। ये पर्व विशेष तौर पर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें और कैसे और क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार। जहाँ इसे नववर्ष के आने पर मनाया जाता है, वहीं इसे आने वाले वर्ष के लिए भी शुभ माना जाता है। इसी बीच हमारी जानी मानी बॉलीवुड हस्तियाँ भी खुशी के साथ गुड़ी पड़वा मना रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम पर सुंदर हरी पिठानी साड़ी में फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया और सभी को गुड़ी पड़व्याज हार्दिक शुभेच्छा लिखा। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने भी सभी को बधाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो पोस्ट कर उघाड़ी की बधाई दी। वहीं अजय देवगन और वरुण धवन ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस को गुड़ी पड़वा की बधाई दी। जिनेलिया देशमुख ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर अपने घर में चल रही तैयारियों को दिखाया। वीडियो में रितेश देशमुख और उनके दोनों बच्चे तैयारी करते नजर आए। वहीं छोटे पर्दे के कलाकारों ने भी गुड़ी पड़वा को धूमधाम से मनाया और सभी को बधाई भी दी। कैसे मुझे तुम मिल गए से अरिजीत तनेजा और सृष्टि झा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शो के साइड से वीडियो डालकर बधाई दी। कुंडली भाग्य से पारस कलावत ने भी सेट से ही हाथ जोड़कर पूजा करते हुए पोस्ट शेयर किया। वहीं बिग बॉस से शिव ठाकरे ने गणपति मंदिर जाकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट कर फैंस को बधाई दी। अंकिता लोखांडे की मां ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने स्वर्गवासी पति संग पोस्ट डालकर उन्हें याद किया और सभी को बधाई दी। शरेनु परीख ने हरी साड़ी में अपने हल्दी की एक फोटो पोस्ट कर फैंस को बधाई दी। वहीं करण वाही ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर गुड़ी पड़वा की फैंस को बधाई दी है।